एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सभी को मेरी तरफ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी का नया साल बहुत अच्छे से बीते, मेरे दिल से यही दुआ है मेरी पूरी YouTube फैमिली के लिए और जो भी मेरे ब्लॉग्स और वीडियोस देखता है उन सभी के लिए। और आज ना हमारे पापा जी का बर्थडे है, तो हम लोग सोच रहे हैं पापा जी के लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट लेने की। पापा जी के लिए हम लोगों ने सोचा है, पापा जी के लिए हम लोग लेंगे एक स्मार्टफोन, क्योंकि अभी तक पापा जी जो फ़ोन यूज़ करते थे वो करते थे कीपैड वाला। तो हम लोगों ने सोचा है पापा जी के लिए एक स्मार्टफोन लेते हैं सरप्राइज़ गिफ्ट में देने के लिए। पापा जी को अच्छा लगेगा कि हमने पापा जी के लिए कुछ ऐसा गिफ्ट सोचा। और आज ही पापा जी का बर्थडे सेलिब्रेट करने आने वाले हैं मेरे पापा, नितिन जी के पापा जी, नितिन जी के भाई, हमारी भुआ जी, सभी आने वाले हैं पापा जी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। और आज मेरे पापा त्योहार भी लेकर आएंगे, जो कि होता है सकरात के लिए। तो सकरात भी आने ही वाली है, तो मेरे पापा त्योहार भी लेकर आएंगे, पापा जी का बर्थडे सेलिब्रेट भी होगा। और आज ही मैं जाने वाली हूँ मेरे मायके, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है मैं अपने मायके नहीं गई हूँ रुकने के लिए। तो मैं अपने मायके भी जाऊँगी अपने पापा के साथ ही रात के टाइम। और अभी फ़िलहाल हम लोग जाने वाले हैं एक मोबाइल शॉप पर, क्योंकि हमें पापा जी के लिए फ़ोन लेना है गिफ्ट के लिए। आप लोगों को मैंने बताया ही है। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी। तो ध्रुव के पापा, मैं और अरुण, हम तीनों ही जाने वाले हैं मोबाइल शॉप पर। और जो भी हम लोग फ़ोन फाइनल करेंगे वो आप लोग देखोगे ही। तो चलिए मैं चलती हूँ मोबाइल शॉप पर और आप लोग देखिएगा हम लोग पापा जी के लिए कौन सा फ़ोन लेने वाले हैं। फाइनली हम लोगों ने पापा जी के लिए फ़ोन ले ही लिया है। हमने जो पापा जी के लिए फ़ोन लिया है वो लिया है पोको C65। ये लेटेस्ट ही फ़ोन आया है और बहुत अच्छा लगा हमें ये फ़ोन पापा जी के लिए। तो हम लोगों ने फाइनली ये फ़ोन ले लिया और यहाँ पर भैया ने कर दी है इसकी अनबॉक्सिंग। और आप लोग देख ही सकते हैं कितना अच्छा फ़ोन है और हमें ये अच्छा लगा पापा जी के सरप्राइज़ गिफ्ट में देने के लिए। तो आप लोग भी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को ये फ़ोन कैसा लगा है, जो कि हम लोगों ने लिया है पापा जी के बर्थडे गिफ्ट में देने के लिए। तो यहाँ पर फ़ोन अनबॉक्स हो चुका है और मैं यहाँ पर देख रही हूँ उसकी सारी ही कैमरा क्वालिटी और जो भी उसमें फीचर्स हैं वो। तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा ज़रूर आप लोगों को ये फ़ोन कैसा लगा। और अब हम लोग जाएंगे वापस से घर। जब तक हम घर पहुंचे तब तक मेरे पापा भी आ चुके थे मेरे सकरात का त्योहार लेकर। तो जो भी पापा सामान लेकर आए थे वो मैंने सारा ही सामान दिया बुआ जी को, क्योंकि बुआ जी घर की बड़ी हैं। तो जो हमारे घर के बड़े होते हैं उनको सामान दिया जाता है जो भी हमारे त्योहार में आता है वो। और यहाँ पर हमारी छोटी बाबू सोई हुई है तैयार होकर, क्योंकि उसे भी आज नाना का बर्थडे फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट करना है सभी के साथ। तो यहाँ पर हमारा केक भी आ चुका है और हम लोगों ने जो केक इस बार पापा जी के लिए बनवाया है ना, वो कुछ इस तरीके का बनवाया है कि यहाँ पर एक गुड्डा है और एक बच्चा है, जो कि हमने ये सोचकर बनवाया है कि ये पापा जी और ध्रुव है। तो हमने केक जो बनवाया है, डेकोरेट किया है, वो अपनी पसंद से करवाया है। आप लोग बताइएगा आप लोगों को ये केक का डिज़ाइन कैसा लगा है। तो यहाँ पर पापा जी के केक कटिंग का टाइम हो ही चुका है, तो यहाँ पर सभी करेंगे केक कटिंग पापा जी के साथ मिलकर। यहाँ पर एक एक करके हम सभी ने पापा जी को गिफ्ट दिया और सबसे पहले गिफ्ट दिया था मेरे पापा ने पापा जी को। और आप लोग देखिएगा सभी ने पापा जी को क्या गिफ्ट दिए हैं। पापा जी करेंगे लास्ट में सभी के गिफ्ट ओपन। तो यहाँ पर नितिन जी के पापा जी है, मेरे पापा जी हैं और हमारे पापा जी हैं, सभी ने ही एक साथ मिलकर पापा जी के साथ फोटोज क्लिक कराए। और यहाँ पर हमारी बड़ी बुआ जी हैं, तो बड़ी बुआ जी ने पापा जी को पैसे दिए क्योंकि बड़ी बुआ जी सभी से बड़ी हैं और पापा जी से भी बड़ी हैं, तो बड़े प्यार से उन्होंने पापा जी को पैसे दिए। और यहाँ पर दीदी, नितिन जी, हमारी छोटी बाबू सभी कराने लगे थे पापा जी के साथ फोटोज क्लिक। और यहाँ पर हमने पापा जी को दिया उनका सरप्राइज गिफ्ट। तो आप लोग देखिएगा, पापा जी अपना गिफ्ट ओपन करेंगे तो पापा जी को कैसा लगता है अपना गिफ्ट देखकर। यहाँ पर पापा जी ने अपना गिफ्ट ओपन किया और पापा जी को अपना फोन बहुत अच्छा लगा जो हमने गिफ्ट में दिया है पापा जी को। और फिर यहाँ पर पापा जी गिफ्ट ओपन करने लगे हैं, वो जो कि लेकर आए हैं मेरे पापा। तो पापा जी ना बहुत ज्यादा ही खुश है कि सभी ने एक साथ मिलकर पापा जी का बर्थडे इतना अच्छा सेलिब्रेट किया है। और हमें भी अच्छा लगा कि हम अपने बड़ों के लिए कुछ ऐसा करते हैं ना जिससे कि उन्हें खुशी हो, तो बहुत अच्छा लगता है। हमने एक छोटी सी ही कोशिश की थी कि पापा जी का बर्थडे कुछ इस तरीके का सेलिब्रेट करेंगे, तो हम लोग कर पाए हैं और पापा जी बहुत खुश भी हुए, तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर पापा जी ने गिफ्ट ओपन किया जो कि मेरे पापा लेकर आए थे, पापा जी को बहुत अच्छा लगा। और अब हो चुका था यहाँ पर मेरे घर जाने का टाइम, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं जाऊंगी आज अपने मायके। तो हम लोग निकल चुके हैं मेरे मायके के लिए और हमारी कैब भी आ ही चुकी है, तो हम लोग जाएंगे आज कैब से घर, क्योंकि रात ज्यादा हो चुकी है। हमने पापा जी का बर्थडे सेलिब्रेट किया और फिर डिनर वगैरह किया, तो रात ज्यादा हो गई थी, इसीलिए हम लोग थोड़ा लेट निकले। और हमने यहाँ पर अपनी कैब बुक की और हमारा जो भी लगेज था वो रख दिया था हमने डिग्गी में। और अब हम लोग निकलेंगे मेरे मायके के लिए, तो आप लोग देखिएगा आगे के जो भी ब्लॉग्स होंगे वो अब से होंगे मेरे मायके के। और आप लोगों को ब्लॉग्स कैसे लगेंगे वो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ध्रुव, हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे दगा तो दे थोड़ी। दे तो दी। अब बताओ हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे नहीं। अच्छा, अब बताएगा ध्रुव। ध्रुव कहाँ जा रहा है? ध्रुव जा रहे हैं नाना के घर। और हमें कौन लेना आया था? हमें लेना आया था मयूर, है ना? और मैं और नाना। तो हमें मयूर और नाना लेने आए थे और हम लोग जा रहे हैं अब नाना के घर, है ना? करेंगे मस्ती, एंजॉय, है ना? तो हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए और कुछ देर में हम पहुंच जाएंगे मेरे मायके। और फिर मैं व्लॉग का करूंगी एंड आप लोगों से बातें करके। तो अभी के लिए बाय बाय करो, बाय बाय। काटता नहीं है वो, काटता नहीं है, प्यार करता है। टेडी, टेडी, टेडी नाम है। कोको टेडी है। तो इनका नेचर नहीं है काटने वाला, है ये तो पसंद नहीं करता टच करना। अच्छा, ये पीछे रखता हूँ मैं इसको। हाँ, नहीं ठीक है, ये अच्छा है। बच्चे किसी को मना नहीं करता टच करना, इसको तो बस मैं ही टच कर सकता हूँ और भाई कोई टच नहीं करता। चलो भाई, चलो चलो, हटो हटो, काट लेगा ये, नहीं काटता। हाँ, ये बहुत अच्छा बच्चा। चलो चलो, हाँ, आ जाओ, बस आ जाओ, चलो। ओके सर, गुड नाइट। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मेरे मायके। जैसे ही हम लोग मेरे मायके पहुंचे वैसे ही बच्चों को घर के बाहर दिख गए थे दो क्यूट क्यूट से डॉगी। तो ध्रुव और मयूर दोनों ही डॉगी के संग खेलने लगे थे। थोड़ी देर बच्चे डॉगी के साथ खेले और फिर हम लोग पहुंचे घर। और जैसे ही हम लोग घर पहुंचे वैसे ही डुग्गू, मम्मी और दीदी तीनों ही हमें देखकर बहुत ज़्यादा ही खुश हो चुके हैं, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद आई हूँ अपने घर रुकने के लिए और दीदी भी आ चुकी है मेरे साथ ही घर रुकने के लिए, क्योंकि हम बहुत टाइम बाद मिलते हैं तो इसीलिए हम जब भी घर आते हैं एक साथ ही आते हैं। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं मेरे मायके और यहाँ पर डुग्गू बैठी है और डुग्गुना भी सोकर उठी है। जैसे ही हम लोग आए हैं ना वैसे डुग्गू सोकर उठ चुकी है। और ध्रुव को आप लोग देखिए, ध्रुव को ना घर आते ही मिल चुका है गिफ्ट, बड़ी दीदी ने उसे गिफ्ट दिया है। और यहाँ पर डुग्गुना नींद में ही है तो ये कुछ अभी ना एक्साइटेड नहीं हो पाई है ध्रुव को देखकर। मॉर्निंग में ये नॉर्मल हो जाएगी और ध्रुव से बहुत सारी बातें भी करेगी। और आप लोगों को आगे के जो भी मेरे व्लॉग्स देखने के लिए मिलेंगे ना वो मिलेंगे मेरे मायके के, क्योंकि मैं कुछ टाइम रुकने वाली हूँ मेरे मायके में ही। और आज का जो पूरा व्लॉग था वो था पापा जी के बर्थडे का। आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को पापा जी का बर्थडे व्लॉग कैसा लगा है। तो गाइज आज का व्लॉग हो जाएगा मेरा यहीं पर एंड। आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा है प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।